नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थुरिया। इस साल होने वाली छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संकट को देखते हुए दिल्ली में यमुना घाट समेत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा। त्योहारों को लेकर DDMA ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जो कि 15 नवंबर तक लागू रहेंगे। इस दौरान छठ पूजा के साथ साथ दिवाली और दशहरा भी आएगा। दिल्ली में पटाखों पर पहले से ही बैन है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता वाली दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने छठ पूजा को लेकर निर्देश जारी किए हैं। DDMA ने कहा कि कोविड के मौजूदा हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा। प्राधिकरण ने लोगों को सलाह दी है कि वो अपने घर पर ही सुरक्षित तरीके से छठ पूजा मनाएं। दिल्ली सरकार ने सभी जिलाधिकारियों, जिला पुलिस उपायुक्तों समेत सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों, नदी किनारे, मंदिरों में छठ पूजा ना हो। कोरोना संकट की वजह से पिछले साल भी छठ पूजा घर पर ही मनाने की अपील की गई थी। आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर गणेश उत्सव विसर्जन करने की भी छूट नहीं दी गई थी, तब भी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक थी। गौरतलब है कि दिल्ली में हर साल धूमधाम से छठ पूजा मनाई जाती है। दिवाली के 6 दिन बाद ये पर्व शुरू होता है। इस बार छठ पूजा का त्यौहार 8 नवंबर से शुरू होगा। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। छठ पर्व बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले लोगों का पर्व होता है। लाखों लोग यमुना नदी के किनारों और कृत्रिम तालाबों पर एक साथ पूजा करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते पिछले 1 साल से छठ पूजा के सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।